प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में ट्रोल होना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री हाल ही में साउथ अफ्रीका में हैं, जो कि एक इंटरनेशनल प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जिसका नाम ब्रिक्स है, जिसमें कई सारे देश के बड़े उच्च अधिकारी और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात यानी कि देश को पूरा पूरा संबोधित करते हुए देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में अब वहाँ से कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ, इन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानी की बोतल खोलने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे पानी की बोतल खुल नहीं रही है क्योंकि उसका कैप बहुत ज्यादा टाइट है, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी और तमाम जितने भी ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया के यूजर्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनके समर्थक काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांध देते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री का अगर ऐसा कोई भी वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं या फिर रह जाते हैं, उस पर उनके आलोचक भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, उनके आलोचकों ने उनके पीछे पड़कर उन्हें जमकर ट्रोल करना चालू कर दिया है। आपको बता दें कि जैसे ही इनका बोतल न खोलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जमकर ट्वीट की बरसात होने लगी। यूजर्स ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि हमने एक मजबूत इंसान के हाथ में भारत का भविष्य दे दिया है जिनसे एक बोतल तक खोली नहीं जा रही है। साथ ही एक यूजर ने लिखा है कि 56 इंच का सीना रखने वाले से एक बोतल नहीं खुल रही है। वहीं अन्य यूजर लिखते हैं कि सर कमजोर हो गए हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दीजिए, पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को आता है, जैसे ही कांग्रेस की एक फैन पेज ने इस वीडियो को पोस्ट किया तो उनके समर्थकों की लाइन लग गई, जो खुद ही राहुल गांधी की बुराई करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पोस्ट इसलिए किया गया था ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हो, लेकिन यहाँ पर पोस्ट कांग्रेस पर ही हावी हो गया। तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।